आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव रनियाठेर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 35 किलोमीटर तो ब्लॉक से 15 किलोमीटर है। 2200 वोटों वाले इस गांव की कमान सत्यपाल सिंह के हाथों में है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। जिम्मेदारी निभाते हुए इन्होंने भी गाँव में काफी अच्छा विकास कराया है। कितना विकास इन 4 वर्षों में हुआ है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान पुत्र की जबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के रनियाठेर ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान पुत्र से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान पुत्र के पास। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत रनियाठेर से प्रधान पुत्र योगेंद्र सिंह बोल रहा हूँ मैं जी। अब तक जो है आवास और नाली टाइल सीसी खरंजे करवाए हैं जी, और इन विकास कार्यों में भी जो है 280 लोग ओडीएफ हो गई ग्राम पंचायत पूरी ओडीएफ हो गई जी। आवास मिले यहाँ लोगों को? आवास मिले हैं इस समय 29 जी। 29 जो सरकार योजनाएं चलाती है, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, आपके गांव में सभी को मिला है इसका लाभ? लगभग सभी को मिल चुका है। किसानों के खाते में जो सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, अभी नहीं आ पाई है। कुछ लोगों के 50% लोगों के खाते में निधि नहीं आ पाई है। जी, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट वगैरह लगी है? सोलर लाइटें भी लगवाई है, बिजली वाली भी लाइटें हमने लगवा दी है। कूड़ेदान वगैरह भी? कूड़ेदान भी 20 लगवा दिए। यहाँ पर जैसे आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, ये बने हैं सभी के? आयुष्मान कार्ड कुछ लोगों के हैं, सभी के नहीं। राशन कार्ड जो है ज्यादातर लोगों के बन चुके हैं। बन चुके हैं जी। यहाँ पर जैसे पेंशन वगैरह जो है वो सबको मिल रही है? पेंशन जो 60 साल वृद्धा पेंशन और जो विधवा पेंशन थी वो कम लोगों को मिल रही है, उसमें जो आधार कार्ड की वगैरह जो है कुछ काफी कमी चल रही है। चल रही है जी। स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत क्या क्या काम करवाए हैं? स्कूल में बाउंड्री कराई है और रंगाई पुताई, फर्श, प्लास्टर, शौचालय, टंकी फिटिंग, समर सेविंग जी जी। लगभग काफी सौंदर्यकरण स्कूल में करवाया। आप समय समय पर जाकर स्कूल में मतलब समय देते हैं, वहाँ जाते हैं, देखभाल करते हैं। सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा जैसे बारात घर, पंचायत भवन, ये आपके गाँव में बने हुए हैं? पंचायत घर या बारात घर नहीं है, स्कूल में बारात ठहरती है। स्कूल में ही ठहरती है। खेल का मैदान? खेल का मैदान नहीं है, उसी में खेलते हैं। अस्पताल? अस्पताल स्वास्थ्य समुदाय केंद्र छोटा वाला है, उसमें डॉक्टर वगैरह बैठते हैं? उसमें डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं बैठते हैं, मतलब दवाई नहीं मिल पाती है, दवाई समय से नहीं मिल पाती जी। यहाँ जैसे अब अपने गाँव को सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहते हैं? मांग हम जो है निधि के अंतर्गत जो टाइल सीसी खरंजे ये मांग कर रहे हैं। कितने मीटर सीसी आवासों की मांग रख दी है। कितने मीटर सीसी से जो है पूरा पक्का आपका गांव के रास्ते सभी पक्के हो जाएंगे? लगभग 500 मीटर सीसी टाइल चाहिए जी। आवास के लिए कितने गरीब पात्र अभी यहाँ बाकी? अभी जो 82 आवास पात्र हैं आपके गरीब लोग जी। 82 इसके अलावा जैसे बारात घर या पंचायत भवन नहीं है गांव में, तो आप चाहेंगे कि ये सरकार जो है घर या वो शमशान घाट निर्माण होनी, शमशान घाट यहाँ नहीं है, ग्राम समाज की जगह है यहाँ, ग्राम समाज जगह है जी। तो शमशान घाट के लिए आपने अब से पहले कोई प्रस्ताव रखा? प्रस्ताव रखा है जी, आपको जी और भी प्रस्ताव कई बार दे चुके हैं, हमारा अभी पैसा जो अभी रिलीज नहीं हुआ जी। जैसा कि आपने देखा प्रधान पुत्र से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इनके द्वारा इन 4 सालों में यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवास भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, शौचालय से भी गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, स्कूल में भी कायाकल्प के अंतर्गत काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है, लेकिन अभी भी कुछ मूलभूत समस्याएं यहाँ पर बाकी हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन यहाँ अभी तक निर्मित नहीं है, जिसके लिए प्रधान पुत्र मांग रखते हैं। इसके साथ ही लगभग 500 मीटर सीसी के लिए भी उन्होंने मांग रखी है। लगभग 82 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। मेरा और एक सबसे प्रमुख मांग जो यहाँ प्रधान पुत्र ने रखी है शमशान घाट को लेकर है, जिसके लिए वो पहले भी कई बार प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कोई स्वीकृति नहीं मिली है। अशरफ अली के साथ मनाजरीन, टुडे 24।